नमस्कार, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत करती हूं। दूध फटने के बाद हम पनीर बनाते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है उसे हम आम तौर पर फेंक देते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि इसमें कमाल के गुड़ होते हैं। ये पौष्टिक होता है और आपके ढेर सारे काम आ सकता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि अगली बार दूध फट जाने पर इस पानी को ना फेंकें। आटे को गूंदने के लिए पानी की जगह फटे दूध के पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपकी रोटियां या पराठे नरम बनेंगे और प्रोटीन से भर जाएंगे। फल और सब्जियों के जूस में मिक्स भी कर सकते हैं। अगर आप हर सुबह जूस पीते हैं तो उसमें पानी की जगह इसे मिलाएं। इस पानी का हल्का फ्लेवर होता है, जिसे उपमा में मिलाने से उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उपमा में टमाटर या दही मिलाती हैं, तो इसे ना मिलाएं। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में पानी बच जाए तो उसे चावल, पास्ता या सब्जी पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को शैम्पू करने के बाद दोबारा इस पानी से सिर को धो सकते हैं, फिर 10 मिनट तक इसे छोड़ दें और फिर हल्के गर्म पानी से सिर को साफ कर लें। जब बाल सूख जाएं तो उसमें कंघी करें, इससे बालों में चमक आ जाएगी। लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई।